आदित्य हत्याकांड मामले में अब लगातार तूल पकड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आपको बता दें कि साल 2019 में हुए आदित्य हत्याकांड मामले की गुत्थी सुलझ नहीं पा रही है, जबकि इस हत्याकांड से जुड़े लगभग सभी लोगों को पुलिस कार्यवाही करके जेल भेज चुकी है और जमानत पर कई लोग छूट भी चुके हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो चुका है। आपको बता दें कि रायबरेली के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के कल्लू के पुरवा रहने वाली पीड़िता अनुभूति सिंह पुत्री सूर्यभान सिंह ने परिजनों ग्रामीणों के साथ एसपी ऑफिस पहुंचकर कोतवाली पुलिस द्वारा राजनैतिक दबाव में लिखे गए फर्जी मुकदमे व जेल भेजे जाने का विरोध करते हुए निष्पक्ष जांच कराए जाने की एसपी से मांग की है। पीड़ित परिवार ने कोतवाली पुलिस पर गंभीर आरोप लगाए हैं। वहीं एसपी से पूरी घटना में निष्पक्ष जाँच कराए जाने की मांग की है। वहीं आइए जानते हैं परिजनों ने क्या कहा। मेरे साथ जो झूठा प्रकरण किया गया है मेरे परिवार के साथ, क्या किया गया है? सिर्फ 10 जनवरी को मेरे पति और मेरे बेटे को उठाया गया है रात में 11 बजे। झूठा एफआईआर, वो भी एफआईआर 11 तारीख को 11 जनवरी को लिखी जा रही है और मेरे परिवार को 10 जनवरी को ही उठा लिया गया है रात में। जितनी समय को दिखा रहे हैं घटना, उतने समय पुलिस मेरा घर घेर रखा था। उसी प्रकरण में 27 महीने बाद जेल से छूट के आए हैं। अब उसमें पता नहीं किस दबाव में पुलिस इनको इतना प्रताड़ित कर रही है और आए तुम तबीयत देती है। अभी इनके पिताजी को उठाकर बंद कर दिया और छोटा भाई जो बैंक रूम पढ़ रहा था उसको उठाकर बंद कर दिया। घर में इनके कोई नहीं है और निश्चित यह है कि इसको भी किया है, ये भी पढ़ने वाली है। घर में इनके जो है एक लड़की, वो भी मन कुश्ती है और ये लोग मान के लिए बहुत परेशान हैं। क्या करेगी करणी सेना? करणी सेना इसमें कप्तान साहब मिले, कप्तान साहब बहुत उम्मीद करती है। उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं इसकी निष्पक्ष जांच कराऊंगा, अगर जांच नहीं होगी तो करणी सेना अपने स्तर से आंदोलन आगे बढ़ाऊंगा। ठीक है।